ये वाकई में डर गए। क्या हुआ? डॉगी की तो आपने देखी, डॉगी की रोते हुए सुना हो, डॉगी रोता कैसे? मोर ऐसे बोलते हैं? हाँ बिल्कुल। इसको काट लो, ऐसे काट लो, कुत्ते की तरह काट लो। वॉइस ऑफ नेशन में खुश आमदीद, मैं हूँ इमरान अली खान, मेरे साथ वसीम मौजूद है। वसीम मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें निकाल लेता है, ये कुत्ते की तरह भौंक भी लेता है, बिल्ली की तरह बोल भी लेता है, बतख की तरह बोलता है, मोर की ये आवाज़ निकाल लेता है। आज हम यहाँ पर लोगों के साथ प्रैंक करेंगे, लोग बैठे होंगे अपने ध्यान में, ये पीछे कुत्ते की तरह भौंकेगा, लोग डर के भाग जाएंगे। वसीम शुरू करें फिर। बिल्कुल शुरू करें। इधर लोग कुछ बैठे हैं तो देखते हैं ये किस तरीके से इनको डराता है। चुप 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 चुप। ये वाकई में डर गए। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? ये कुत्ता था मेरे पीछे। कौन था ये? बंदा है, कुत्ते की तरह भौंक रहा है। तो ये तो गलत बात है, भौंकने तो कहीं और जाके भौंके, मेरा सांस बंद हो गया। कहीं और जाके क्यों नहीं भौंकते भाई? भाई बस ऐसे थोड़ा सॉरी। और कौन कौन सी आवाज निकालते हो? और बिल्ली की निकाल लेता हूँ। बिल्ली की निकालो। टैलेंट आया है या सीखा है कहीं से? ऐसी अल्लाह की तरफ कुदरती है, कुदरती है। और कौन कौन से निकालते हो? बतख की निकाल लेता हूँ। बतख की निकालो। बतख की थी। और मोर की भी निकालते हो? हाँ मोर की भी निकालता हूँ। मोर की निकालो। मोर ऐसे बोलते हैं? हाँ बिल्कुल। कान में दर्द नहीं हो जाता अगले बंदे के? नहीं। और इसके बाद आपको डॉगी की सुनाओ, डॉगी की तो आपने देखी। डॉगी की रोते हुए सुनाओ, डॉगी रोता कैसे? ये कुत्तों वाली अदाएं कहाँ से आई आप में? ऐसे ही बस ऐसे ही आ गई, ऐसे ही अल्लाह की तरफ से आ गए। लड़कों काफी दोस्त में होते थे ना, तो पार्कों में चले जाते थे अक्सर। लड़की की भी आवाज़ आती है? हाँ लड़की की भी। सुनाओ। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हो आप? मैं बस वेलियां मारता हूँ, आप बताओ। मैं ठीक हूँ। स्टडी करते हो? क्या करते हो? यार वो सामने वालों से पूछो ना। यार मतलब मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ, उनसे तो नहीं, उनसे तो नहीं। अपनी उम्र देखते, अपने काम चेक कर। बस यार क्या करूँ, पहले वाला काम सही सी। लोगों से रिव्यू लें आपके हवाले से। जैसे और कौन कौन सी निकाली थी आपने? यार और बिल्ली जैसे लड़ती हैं वैसे निकाल। कैसे लड़ती हैं? बिल्लियां से लड़ती हैं वो। इस वाली बिल्ली के साथ लड़ के दिखाओ। आओ, नहीं आओ। मैं इसके साथ नहीं लड़ूंगा भाई, इधर ही आ जाओ। अच्छा आप खुद ही लड़ूंगा। यार गुड हो गया। ये आवाजें कब से निकाल रहे हो? काफी देर से, मतलब के 5-6 साल हो गया। आम तौर पे हम देखते थे कि लोग कहते हैं यार चुप कर, बकवास बंद कर, कुत्ते की तरह भौंकना। तुसी इस कहावत नु सच कर दिता है। बिल्कुल। कभी किसी ने कहा है कुत्ते की तरह क्यों भौंकना है? मैं नु कहना चुप होगा नहीं तो मैं तेनू समझिए ना। तो जैसे कि आपको मेरे से बिल्ली आपको सवाल पूछे, मैं आपको बिल्ली की आवाज़ में जवाब दूंगा, यानी कि बिल्ली की आवाज़। कब से निकाल रहे हो ये आवाज़ें? 5 साल। आप कितनी उम्र हो? 17 साल। पढ़ते हो? नहीं पढ़ते। क्या करते हो? काम करते हो? क्या काम करते हो? स्नूकर क्लब में। स्नूकर क्लब में क्या करते हो? गेम करते हो? फ्रेम बनाते हो? फ्रेम तो मिनटों में लोग तोड़ भी देते होंगे। इसको काट लो, ऐसे काट लो, कुत्ते की तरह काट लो। काट लो इसको, कुत्ते की तरह काट लो। चलो सही, अपनी वापस आवाज में आओ और इसको काट लो। हाँ।
टांग पकड़ो ना इसकी टांग पकड़ो 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 क्या हुआ डर क्यों रहे हो डर नहीं रहा वैसे वैसे क्या बस बस डर से मुंह लाल हो रहा है डर से मुंह लाल हो गया भाई डर क्यों रहे हो डरते ना हम डरते नहीं है हम तो वैसे ये जो है ना इसने कुत्ते की तरह जब अच्छी आवाज निकाली है हाँ अच्छी आवाज नहीं बहुत इसका इसने जो बातें की बहुत अच्छे लगे हम सबको और बहुत इस तरह का बंदा देखा जो कुत्ते की तरह भौंकता नहीं यार मैंने वैसे चैनलों में देखा है लेकिन देखो यार मैं तो भाई टैलेंट है टैलेंट है ताड़ियां मारो इसके लिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा कैसी आवाजें निकालता है बहुत अच्छा आवाज क्या जो कुत्ता है ना कुत्ता जो हरकतें करता है कुत्ते का काम क्या होता है लोगों की टांगों पे वार करने आपने टांग पे वार करना है चलें फिर पहला शिकार करते हैं हम खामोशी के साथ जाएंगे आपने इसकी टांगे पकड़ लेनी है कुत्ते की तरह ठीक है पकड़ो क्या हुआ कोई बंदा मतलब छोटे दिल का भी होता है यार ये किस तरह की भाई नहीं आप तो अपनी वीडियो बना रहे हैं लेकिन भाई मेरी बात सुने नहीं, मेरी कोई बंदा अच्छा, अच्छा, कोई परेशानी के आलम में खड़ा होता है कोई किसी शॉक्ड हो जाता है ठीक है किसी को इस तरह ब्रेन ट्यूमर या हार्ट अटैक आ सकते हैं भाई आप किस तरह का मजाक करें किस तरह का मजाक करें पता नहीं किस बुली कुत्ते ने जो है ना एकदम पकड़ लिया अब तो मैं तो गया कौन सा कुत्ता है कौन सा की आवाज निकाली है कौन सा कुत्ता है नहीं ये तो इंसान है यार आप इंसान को कुत्ता कह नहीं नहीं मैं नहीं था कुत्ता था वो चला गया मैं नहीं था वैसे मैंने तो आपको बचाया आगे यार मैं समझा ले भाई टांग यहाँ तक खाएगा आज कुत्ता लेकिन वो अच्छा हुआ कि जो है ना टीके तो नहीं ना लगे आपको हाँ 14 टीके वाला सीन ही है शुक्र है लेकिन मैं टीके से मैंने आपको बचाया ब्रेन ट्यूमर से मैं बच गया हूँ ये शुक्र करें भाई मैं मुझे कुछ हो जाता था बंदे मैंने उसको बट्टा मारा मुझे काटा उसने और मैं ही अपने माँ बाप का इकलौता 12वां बेटा हूँ जी हाँ जी आखिरी सहारा लोता 12वां बेटा है यार ये भाई कुत्ते की तरह लोगों को काट रहा था भाई क्या करना है नहीं नहीं मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ ये इस तरह के टैलेंटेड लोग हमारे मुआशरे में है ही नहीं लोग यहाँ पे हर बंदा कुत्ते की तरह काटता है लेकिन कोई आवाज़ निकाल के नहीं काटता ठीक है ये पहला बंदा है जो मतलब यानी कि बता के काट रहा धोखा नहीं दे करके हाँ धोखा नहीं दे रहा जबरदस्त हो गया चोर को पड़ गया मोर 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 निकालो क्या हुआ सॉरी यार मैं मतलब नहीं इधर इधर यार आप बता दें यार नहीं नहीं चिट्टे कपड़े पाके की कर रहे हो यार चिट्टे कपड़े पाके याशी कर रहे हैं काम तो छुट्टी की थी और की करना है यार भाई मैंने ये समझा मेरा अपना दोस्त बैठा हुआ है सॉरी अब क्या करना है इसका क्या करना है इसको अगर ये प्रैंक ना होता तो चपेड़े पड़नी थी आप क्या आपने क्या सोचा था मैंने तो सोचा कोई मेरी जान निकालने आ गया निकली तो नहीं ना नहीं निकली नहीं है हम निकालने वाले निकलना वसीम हमारे साथ मौजूद था आपने देखा कि किस तरीके से लोगों के साथ प्रैंक किया गया कभी लगता नहीं है कि मैं कुत्ते की तरह भौंक रहा हूँ कुत्तों वाली अंदर से फीलिंग आई हो कभी सोचा हो कि यार आज हड्डी खाने को दिल कर रहा है भाई रोटी खाता हूँ हड्डी थोड़ी ना खाता हूँ हड्डी को कभी नहीं खाई हड्डी नहीं भाई हड्डी कौन खाता है भाई हड्डी तो कुत्ते रियल में कुत्ते गाते तो मैं तो सिर्फ आवाज ही निकालता हूँ उनकी भाई आप बिल्ली वाली आवाज निकालते हैं कभी दिल किया छिछड़े खा लूं नहीं भाई पिज्जा खाने का दिल किया कभी पिज्जा खाता हूँ छिछड़ों वाला नहीं नहीं चीज वाला चलो जी वेरी टैलेंटेड वसीम हमारे साथ मौजूद थे लोगों के साथ हमने थोड़ा सा फन करने की कोशिश की मजाक किया लोग डरे लोगों ने इंजॉय भी किया उम्मीद करते हैं कि आपने भी हमारी वीडियो को इंजॉय किया होगा फिलहाल इजाज़त दें अल्लाह हाफिज़